हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 4। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, क्लियर है? लास्ट वीडियो हम लोग पढ़े थे ग्लास प्रिज्म के बारे में, उसका जिक्र यहाँ होगा तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? तो जब कभी व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास करता है, जब कभी जैसे ग्लास प्रिज्म हो गया, व्हाइट लाइट आया, इससे पास करेगा, तो व्हाइट लाइट अपने सारे कलर्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिटिंग टूटना, यानी कि व्हाइट लाइट क्या होगा, टूट जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, मतलब जिन कलर से वो बना है उसमें जितने भी कलर से, उन सारे कलर्स में वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर में वो क्या होता है, टूट जाता है, जब किससे पास करते हैं उसको, ग्लास प्रिज्म से, क्लियर है? अब यहाँ पे जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट रहा है उसको कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक स्क्रीन लगाते हैं। उस स्क्रीन पे सातों लाइट जब पड़ता है तो हमें डिफरेंट कलर्स के लाइट दिखाई देते हैं। तो ये जो 7 कलर्स हमारे स्क्रीन पे मिल रहे होते हैं, इसको भी हम लोग किसी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, क्लियर है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो 7 कलर्स हमें मिलता है स्क्रीन पे उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो व्हाइट लाइट टूटता है 7 कलर्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जो ये व्हाइट लाइट टूटा है, जो 7 कलर्स बना होता है, तो वो 7 कलर्स क्या होता है हमारा, विबजियोर। उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, विबजियोर। कैसे याद रखेंगे हम लोग, विबजियोर, क्लियर है? और ये विबजियोर ऊपर से नहीं, कहाँ से, नीचे से हमें लिखना है, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है वायलेट, फिर क्या होता है इंडिगो, फिर क्या होता है ब्लू, फिर ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, तो रेड लाइट ये है, तो रेड लाइट को अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे इमर्जेंट एंगल, सॉरी डेविएशन एंगल ये बना। अगर वायलेट लाइट को लेके जाओगे तो यहाँ पे ये बन रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वायलेट लाइट, और सबसे कम कौन कर रहा है, रेड लाइट। तो रेड लाइट अगर सबसे कम डेविएट कर रहा है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है वायलेट, यानी उसका वेवलेंथ सबसे क्या होगा, कम। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लिस्ट, क्या है, लिस्ट है, और वेवलेंथ ऑफ रेड इज क्या, मैक्सिमम। वेवलेंथ ऑफ वायलेट और रेड क्या है, ये रेड लाइट और व्हाइट लाइट की बात हो रही है, क्लियर है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, इसलिए वो सबसे कम डेविएट करता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का, इसलिए वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। अगर स्पीड की बात करें तो हम लोग रिलेशन भी लिखे थे, वी इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा, यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी अगर लेमडा वायलेट का अगर कम है तो स्पीड भी वायलेट का क्या होगा, स्पीड ऑफ वायलेट इज क्या हो जाएगा, लिस्ट, और स्पीड ऑफ रेड इज मोस्ट, सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है? तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, वायलेट लाइट, और सबसे कम कौन करेगा, रेड लाइट। क्यों, रीजन क्या होगा, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम और एंगल ऑफ डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, देयरफॉर इट डेविएट्स द लिस्ट। सबसे कम डेविएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है या इसका स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वो सबसे कम डेविएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ और डेविएशन ऑफ एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर है? रीजन कैसे लिखेंगे, रीजन भी क्लियर है आप लोग का, बिकॉज रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, सो इट हैज लिस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है? पॉइंट सारा क्लियर है आप लोग का, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा, सबसे कम कौन करेगा, क्लियर है? जो 7 कलर्स मिलेंगे उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और ये जो टूटेगा उसको हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे, क्लियर है? रिलेशन भी याद रहेगा,
इस रिलेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने होंगे जो यहाँ पे आएंगे। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन जनरली यही आता है कि वाई वायलेट इज एट द बॉटम, तो बोलेंगे बिकॉज इट डेविएट्स द मोस्ट, बिकॉज इट हैज मिनिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, इनका स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है और इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन के, या जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। क्लियर है, दोनों चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में? तो नेक्स्ट है हमारा रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। स्पेक्ट्रम जो कलर बने थे हमारे 7 कलर्स, वो रिकम्बाइन कैसे करेंगे? तो ये सारा बात किसने बोला था? ये सारा बात बोले थे सर आइजक न्यूटन ने। उन्होंने क्या बोला कि जब व्हाइट लाइट को हम लोग पास करा रहे हैं प्रिज्म से, तो वो 7 कलर्स में टूट जा रहा है। तो जब वो 7 कलर्स टूटे हुए हैं, उनके सामने सेम इसी प्रिज्म को उल्टा करके अगर रख दिया जाए, इन्वर्टेड करके रख दिया जाए, तो वो 7 कलर्स जब उससे पास होंगे, वो 7 कलर्स फिर से कंबाइन करके क्या बना लेंगे? व्हाइट लाइट। तो ये बात बोली किसने थी? तो आइजक न्यूटन ने। क्या? आइजक न्यूटन ने। क्लियर है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारा एक प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है, इससे जब व्हाइट लाइट को हमने पास कराया, कौन से लाइट को? व्हाइट लाइट को। तो ये व्हाइट लाइट क्या होगा, स्प्लिट करेगा कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। ऊपर में आता था रेड, नीचे में भी विवज्योर बनता था। तो जो ये 7 कलर्स यहाँ निकल रहे हैं, इन 7 कलर्स के सामने अगर आइडेंटिकल प्रिज्म को रख दे, कैसा प्रिज्म? आइडेंटिकल प्रिज्म। तो आइडेंटिकल प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म हैविंग सेम प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल उनके क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर है, तो जब यहाँ पे इस चीज़ को रखेंगे तो ये क्या होगा, कैसे रखना था? इन्वर्टेड। कैसे रखना है प्रिज्म को? इन्वर्टेड। आइडेंटिकल प्रिज्म को उन्होंने क्या बोला? इन्वर्टेड रखेंगे। तो जब ये 7 कलर्स जो यहाँ से निकले हैं, ये 7 कलर्स जब इस वाले प्रिज्म से पास करेंगे, तो वो क्या होंगे? रिकम्बाइन कर जाएंगे, और रिकम्बाइन करके फिर से क्या निकल जाएगा? वाइट लाइट। क्या हो जाएगा? वाइट लाइट। क्लियर है, उन्होंने क्या बोला कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 कलर्स में टूटेगा, लेकिन आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड करके अगर रख दें उन 7 कलर्स के सामने, तो वो 7 कलर्स फिर से क्या कर जाएंगे? रिकम्बाइन करके कौन सा लाइट बना लेंगे? व्हाइट लाइट। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसी फिनोमिना को उन्होंने क्या बोल दिया? रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर है, छोटा सा टॉपिक था ये। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू।